पीछे जो हमारे स्थानीय नेता थे उनका जिक्र कहीं नहीं था और अब जिक्र है, तो क्या वो लोग तय दिल से इस रैली में सहयोग कर पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूँ सत्येंद्र यादव। नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव की प्रस्तावित रैली जो कल 10 दिसंबर को होनी है, आज हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जानकारी है 35-40 हजार कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं। काफी सवाल उठे कि ये रैली भाजपा की है या डॉक्टर अभय सिंह यादव की, काफी सोशल मीडिया पर ये चीजें चलती रही और अब इस पर विराम लग गया है, क्योंकि जो है अभी जो विज्ञापन जारी किया गया अभय सिंह यादव के द्वारा उसमें रामविलास शर्मा का फोटो भी है और जो नारनौल विधायक हैं, अटेली विधायक हैं, उनकी तस्वीर भी उसमें नजर आ रही है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है। अब ये कितनी सक्सेस होती है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें पहले जो यहाँ के स्थानीय नेता थे उनकी तस्वीर जो कहीं नजर नहीं आई और जो अभय सिंह यादव गांव में लगातार जनसंपर्क कर रहे थे उसमें भी स्थानीय विधायकों को कहीं साथ नहीं लिया गया था, ये भी जनता के मन में बड़ा सवाल है। और जो ये दौड़ा हीर की अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह का ये गांव जो है माना जाता है, उनके समर्थकों की संख्या यहां पर ज्यादा है। हमारे साथ दौड़ा अहिर के कुछ ज्ञानी हैं, इसे जानते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है 10 दिसंबर कल की रैली में। सर नमस्कार जी, सभी को सुनने वाले परिचय आप मुझे दे दीजिए पहले। परिचय, मेरा नाम जसवंत सिंह है, सपुत्र हेडमास्टर भगत सिंह, गांव दोंगड़ा जी। तो ये जो कल रैली होने वाली है अभय सिंह यादव, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि कल कई बार ये सवाल उठते रहे कि ये रैली अभय सिंह यादव अपने निजी जो हमारे स्थानीय नेता उनके द्वारा कहा गया, जनता में भी ये सवाल है कि अभय सिंह यादव की निजी रैली है। पहले तो निजी का सवाल था, लेकिन उसके बाद तो अभय सिंह साहब ने सभी को इन्वाइट किया जी, और रैली में जितने भी नेतागण हैं सभी को इन्वाइट किया हुआ है और गांव की तरफ से बहुत उत्साहित रैली के लिए, सारा गांव इस समर्थन में है, गांव में बढ़िया रैली हो और गांव का नाम ये जाए कि दोंगड़ाहिर में बीजेपी की अभय सिंह की बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी की हम पूरी की बात करें तो यहां जैसे मुख्यमंत्री का भी एक तरह से घेराव कर लिया गया था, कहीं ना कहीं नाराजगी थी तहसील उप तहसील को लेकर के, सीमा को भी लेकर के। उस टाइम थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया था क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने पहले उस टाइम ये कहा था। अंदर की बात हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि पीछे जो हमारे स्थानीय नेता थे उनका जिक्र कहीं नहीं था और अब जिक्र है, तो क्या वो लोग तय दिल से इस रैली में सहयोग कर पाएंगे? तय दिल से सहयोग कर पाएंगे। कल ही सीताराम से शाम के टाइम मेरी बात हुई है जी, सीताराम साहब ने कहा हम तय दिल से सहयोग करेंगे। जयसन जी कह रहे हैं तमाम जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो सब भी आएंगे और उनके साथ में जो पॉसिबल है वो भीड़ भी आएगी। और जो यहाँ हम इस ग्राउंड की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा जो है दिखाने की कोशिश करें कि जो पूरा ग्राउंड एक तरह से भर दिया गया है, 2-3 ट्रक अभी कुर्सियों के जो है यहाँ पर भरे खड़े हैं, उनको भी लगाने का यहाँ काम किया जा रहा है। और हमारे साथ राजकुमार चेयरमैन है जो इस बारे में विस्तृत जानकारी हमें देंगे। सर कितनी कुर्सियां यहां लगाई गई हैं? 35,000 कुर्सियां फिलहाल ग्राउंड में लग चुकी। आप भी जनता के बीच जा रहे हो, क्या लगता है आपको कितनी भीड़ यहां आ पाएगी, जो कुर्सियां हैं क्या भर पाएंगे? जनता में बहुत अच्छा उत्साह है रैली में, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, शायद कुर्सियां कम पड़ जाएंगी। शायद कुर्सियां कम पड़ जाए, मतलब जैसे कि हमने एक बार पहले आपको एपिसोड में दिखाया था कि जो इनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं रैली नहीं रेला होगा। अब कितना ये रैली होगी या रेला होगा ये तो जो है कल तक ही चल पाएगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।